क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - k = 0 इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां वन रूट दिया हुआ है, 2/3 हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6x² - x - k = 0। तो कुछ भी यहां पर जहां x आया वहां पर x की वैल्यू 2/3 पुट करकर इसको k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, x² - x - k = 0। तो जहां x है वहां पर 2/3 पुट कर लेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग तो हमें मिल जाएगा 6x² - 2/3² - 2/3 - k = 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 6 × 4 = 9 -2/3 - k = 0। ठीक है, तो यहाँ पर 6 × 4 = 24 और यहाँ 9 एलसीएम रहेंगे, तो यहाँ पर 9 के लिए 3 से यहाँ 6 × 4 = 24 और 9 एलसीएम रहेंगे, तो 9 के लिए 3 से इनटू 9 और 3 से न्यूमेरेटर में भी तो 6 आ जाएगा। तो इसको लेते हैं 24 k को हम इधर ले लेते हैं, k इक्वल 9 एलसीएम। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर k की वैल्यू 2 ये आंसर है। कुछ नहीं करना था, x के प्लेस पर 2/3 रखकर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए कर्व ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल है और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और कोण भी समथिंग सर्कल है सेंटर ओ। ठीक है, क्वाड ए बी वैल्यू है, ठीक है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो क्वाड पर है। तो हमने यहां पर माइनर सेगमेंट फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट इसका एरिया फाइंड करना, तो ये माइनर सेगमेंट होता है। तो इसको एक बार रफली देखें, अगर इस सेगमेंट को हमने नहीं देखे तो ये पूरा एक क्या होता है, कोर्ट सेक्टर होता है, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। यहाँ पर लेकिन ट्राइंगल बन रहा है, या अगर हम इस सेक्टर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, ये सेक्टर ए ओ बी डी, अगर इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को सेपरेट कर ले, माइनस कर ले, तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो और यहां पर बोला राइट एंगल, यहां पर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो टोटल ही 360 होता है, तो ये 360 - 90 तो 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 अगर मेजर सेगमेंट का भी पूछता तो हम निकाल लेते 270 से, तो यहाँ पर माइनर सेगमेंट पूछा है तो हम इसको ही देख लेते, तो
एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ और ए ओ बी बी, ठीक है, एंगल है 90 डिग्री और टोटल 360 और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है। इंक्लूड होता है तो ये से
तो डीए से क्या होता है सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सीए से तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सर्कल क्रिएट होगा तो ये पूरा हेमिस्फीयर का मिलेगा पाई आर स्क्वायर, तो एक हेमिस्फीयर का डीए से क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था ये एक का तो मिल रहा है डीए से 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी वही होगा, तो होल सरफेस मिल जाएगा हमें यानी डीए से पूरे का, तो इसका मिल जाएगा तो 2 एक का तो ये मिला तो 2 का 3 पाई आर स्क्वायर तो 6 पाई आर स्क्वायर, तो यही आंसर होगा। ठीक है, ये मेरे को बता दो।